स्टूडेंट्स, कैसे हो बालको? मस्त? चलो ठीक है, सीरियस नहीं होना, कीप स्माइल बेटा। आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। सिविक्स का चैप्टर फोर्थ है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ठीक है बेटा, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अच्छा, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? दिस चैप्टर इज अबाउट इलेक्शंस। दिस चैप्टर इज अबाउट इलेक्शंस। भाई इलेक्शंस हैं कैसे, इलेक्शंस होते क्या हैं, कैसे इलेक्शंस होते हैं, क्या जरूरत है इलेक्शंस की हमारे इंडिया में। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम कंप्लीट, और हमारे स्टेट लेवल पर इलेक्शंस मींस असेंबली के इलेक्शंस कैसे होते हैं, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस कैसे होते हैं, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आपके इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। अच्छा, अभी देखो बेटा, जैसे हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, जैसे ही इस चैप्टर को पढ़ते हो, इस चैप्टर का बिल्कुल जो एनसीईआरटी की बुक है, उस एनसीईआरटी की बुक में बेटा एक इलेक्शंस के बारे में बता रखा है इस बुक में। इलेक्शंस, तो वो इलेक्शंस है, वो कौन से स्टेट के इलेक्शंस है, क्या है, उसके बारे में अब हम डिटेल से जानते हैं। देखो बेटा, जैसे हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर में इलेक्शंस हैं असेंबली इलेक्शंस। ध्यान से देखना, एक बात सभी बच्चे ध्यान रखें, जब भी आपका ये वीडियो चल रहा है तो जो आपकी एसएसटी की जो टेक्स्ट बुक्स है वो टेक्स्ट बुक जरूर सामने रखें, और अपने नोट्स भी बनाते रहे, पेंसिल भी अपने पास में रखें। आप पढ़ने के पर्पज से आए, कहीं शॉपिंग के पर्पज से या कहीं घूमने के पर्पज से हम नहीं आए कहीं भी। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हाउ वी गेट मोर एंड मोर, हम किस तरह से ज्यादा हम सीख सकते हैं। तो कैसे सीख सकते हैं, जब आप चैप्टर को बहुत अच्छे वे में आप पढ़ें। और अच्छा कब होगा कि एनसीईआरटी, मैं जब भी बुक पढ़ाती हूँ, ये चैप्टर याद करवाती हूँ, चैप्टर की वीडियो बनाती हूँ, पढ़ती हूँ, हमेशा एनसीईआरटी की बुक्स को प्रेफर करती हूँ हमेशा। क्योंकि कहीं भी जाइए आप, एनसीईआरटी से बेस्ट कोई बुक्स नहीं है। किसी भी कॉम्पिटिशन में बैठिए, एनसीईआरटी की बुक से कोई अच्छा है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए देखो बेटा, असेंबली इलेक्शन का जिक्र हो रहा है इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, और असेंबली इलेक्शन ऑफ 1987। अच्छा, नोट्स अपने साथ साथ बनाते रहना, सिविक्स में ध्यान रहे एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है। तो सिविक्स में लास्ट टाइम तक आप ये ना सोचे कि मैम एनसीईआरटी क्वेश्चन भेजेगी, मैं आपको यहीं बोर्ड पर करवा रही हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग से अपनी, और वीडियो यहीं पर मैं क्वेश्चन आंसर लिखाऊंगी, बाद में क्वेश्चन आंसर नहीं लिखवाऊंगी। ठीक है, तो अपने नोटबुक और पेन पेंसिल साथ रखिए, अपना साथ साथ नोट्स बनाते चले। ठीक है, बाद में पता लगे कि चैप्टर खत्म हो गया मैम, हम क्या याद करें, वो मेरे से मत पूछना फिर आप। ओके बेटा, असेंबली इलेक्शन 1987 का जिक्र हो रहा है इसमें, और ये असेंबली इलेक्शन कहाँ की है बेटा? हरियाणा, हरियाणा असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं 1987। अब ध्यान रहे, देखो बेटा 1987 में जो बातें आ रही हैं, 1987 में रूलिंग पार्टी कौन सी थी बेटा? कांग्रेस। ठीक है, क्योंकि उस टाइम तक मतलब 1980s तक 90s तक लगभग मैक्सिमम जो स्टेट्स थे वहां पर जो रूलिंग पार्टी होती थी वो कांग्रेस ही होती थी। कांग्रेस ने तो एक तरफा राज किया है बेटा देश पर। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी रूल करती थी। अपोजिशन जो पार्टी थी वो कौन सी थी बेटा? अपोजिशन वाली पार्टी थी बेटा, अपोजिशन वाली पार्टी हरियाणा, हरियाणा संघर्ष संघर्ष समिति समिति अपोजिशन मेन पार्टी थी 1987 से पहले, सॉरी 1987 में कांग्रेस, और अपोजिशन पार्टी थी बेटा हरियाणा संघर्ष समिति। अब इसके अपोजिशन के लीडर लीडर कौन थे बेटा? चौधरी देवीलाल। देखिए, चौधरी देवीलाल अपोजिशन के लीडर थे। अब उन्होंने ये और ये उनकी पार्टी थी हरियाणा संघर्ष समिति। अब ये जब इलेक्शंस हुए 1987 के इलेक्शन जब होते हैं, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, चौधरी देवीलाल ने नई अलग पार्टी बना ली, और उस पार्टी का नाम क्या था? लोक दल। पार्टी का नाम क्या है बेटा? लोक दल, लोकदल पार्टी का नाम है। अब उन्होंने अलग पार्टी बना ली। अब इस पार्टी में उन्होंने अपने जो इलेक्शंस का एजेंडा रखा है, उन्होंने जो स्लोगन दिया, वो उन्होंने किस नाम से वो स्टार्ट कर दिया? न्याय युद्ध।
न्याय न्याय लोकदल पार्टी है उनकी देवीलाल की, और न्याय युद्ध नाम से उन्होंने अपना स्ट्रगल, अपना जो एजेंडा है वो काम करना स्टार्ट किया। अब उसके बाद में क्या होता है, अब देखिए 1987 में, जैसे ध्यान रहे जब भी इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शन से पहले रैलियां होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं। तो जैसे ही जो देवीलाल थे वो जो रैलीज कर रहे थे, जैसे आज हम सुनते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, जैसे लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, या वो लीडर आ रहा है, और वो लीडर्स आके क्या करते हैं, रैलियां करते हैं, और रैलियों में वो क्या करते हैं, जनता से प्रोमिसेस करते हैं, अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हें बॉक्सर बना दूंगा। मतलब ऐसा नहीं कहते, वो ये कहते अगर अगर हमारी पार्टी विनर पार्टी बन गई है, बन जाएगी, तो हम जितने भी बेरोजगार है सभी को नौकरी दे देंगे। अगर फिर तुम्हारे एरिया में आके बोलेंगे, अगर हम जीत गए तो हम तुम्हारे एरिया में एक बहुत बड़ा स्कूल सेटअप कर देंगे, फ्री एजुकेशन देंगे, हम ये करेंगे, गरीबों को मुफ्त में इतने पैसे देंगे, ऐसे ऐसे प्रोमिसेस किए जाते हैं रैलीज में। हालांकि वो प्रोमिसेस सिर्फ किए जाते हैं, पूरे नहीं होते हैं। जैसे ही 1987 के जो इलेक्शंस हो रहे थे, उस इलेक्शंस में जो आपके देवीलाल थे, देवीलाल जी ने, चौधरी देवीलाल जी ने प्रोमिस किया दैट इफ द गवर्नमेंट वॉन द इफ द गवर्नमेंट यहां पर बेटा देवीलाल ने क्या प्रोमिस किया अपनी पब्लिक से, मीटिंग में ही उन्होंने प्रोमिस किया कि अगर इफ आवर पार्टी वॉन द इलेक्शन देन आई वे या वी या अवर गवर्नमेंट वे द लोन्स ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। नया वर्ड उन्होंने यूज किया था, वे द लोन्स ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन, कि अगर हमारी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है तो हम जो स्मॉल फार्मर्स हैं, सॉरी फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसमैन है, उन सभी का सब जितना भी लोन ले रखा है हम सब क्या कर देंगे बेटा, माफ कर देंगे। तो ये उन्होंने प्रॉमिस किया, तो ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया। तो 1987 के इलेक्शंस में जो लोकदल पार्टी थी, लोकदल जो पार्टी थी वो इलेक्शंस जीत जाती है, और उसने जैसे, अच्छा अब एक और पॉइंट नया आता है कि हरियाणा को कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर रखा है, हरियाणा को कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर रखा है, कितनी में कर रखा है बेटा, 19। मींस हरियाणा में जो असेंबली इलेक्शंस है, असेंबली इलेक्शंस के लिए हरियाणा को 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर रखा है। और जैसे ही 1987 के इलेक्शंस होते हैं, 1987 के इलेक्शन होते हैं, इस इलेक्शन में वहां ये पार्टी क्या करते हैं, 90 में से टोटल 76 सीट्स वो जीत जाती है। ये क्या लेगी बेटा, इसमें 76 सीट्स आउट ऑफ 90 में से इतनी सीट्स। और अकेले अगर देखते हैं लोकदल पार्टी की, लोकदल जो पार्टी थी उसने अकेले ने 60 सीटें ले ली थी 90 में से, और जो और 16 सीटें थी ना वो उसकी अलायंस, जो उसकी सहयोगी पार्टियां थी उन्होंने ले ली, मैक्सिमम सीटें उन्होंने ले ली थी, मेजोरिटी से लोकदल पार्टी गवर्नमेंट बन गई। इतना समझ आया। और जैसे ही वो आते हैं गवर्नमेंट में, उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, और जैसे ही उसने ओथ ली, शपथ ली, उसके अगले 2 दिन में ही उन्होंने क्या कर दिया बेटा, उन्होंने जितना भी वेव जो कर्ज था, लोन था, उस लोन को, उस कर्ज को, जो फार्मर्स का था, उस कर्ज को उन्होंने माफ कर दिया। बट हालांकि इसका रिजल्ट नेगेटिव मिला था। नेक्स्ट इलेक्शन में 1991 में जो नेक्स्ट इलेक्शन हुए थे उसमें लोकदल पार्टी बिल्कुल जमीन तक, मतलब बहुत बुरे तरीके से हारी थी, ठीक है, दोबारा से कांग्रेस आ गई थी। तो यहाँ पर सिर्फ यही समझना है कि किस तरह से इलेक्शन हुए, अगर पब्लिक के अकॉर्डिंग काम किया तो पब्लिक ने इलेक्ट कर दिया, और अगर पब्लिक के अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो, हालांकि यहाँ पर देखो लोकदल ने पब्लिक के अकॉर्डिंग काम भी किया, बट फिर भी नेक्स्ट री इलेक्शन में लोकदल बिल्कुल हार गई। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो पब्लिक का जो ट्रस्ट था, उस ट्रस्ट पर लोकदल
खरी नहीं उतरी थी। ठीक है, ये इस चैप्टर का बेस था। अब हम इस चैप्टर में कंप्लीट आगे पढ़ते चले जाएंगे कि इलेक्शंस क्या है। अभी नेक्स्ट जो इस चैप्टर का छोटा सा पॉइंट आता है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। भाई इलेक्शंस हो गए, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक और पॉइंट बताती हूँ। भाई इलेक्शंस तो है, भाई इलेक्शंस मेक्स ए कंट्री मोर डेमोक्रेटिक। एक लाइन जरूरी है, इलेक्शंस मेक्स ए कंट्री मोर डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में ही इलेक्शंस होते हैं, ये भी ध्यान रखना, डेमोक्रेटिक कंट्री में ही इलेक्शंस होते हैं। एंड इलेक्शंस मेक एनी कंट्री मोर डेमोक्रेटिक, मेक ए नेशन मोर डेमोक्रेटिक, किसी भी देश को, किसी भी राष्ट्र को मोर डेमोक्रेटिक बनाता है। ठीक है, बट क्या इलेक्शंस के अलावा, क्या इलेक्शंस के अलावा भी कोई ऐसा मेथड है जिससे कि हम अपने रूलर्स को इलेक्ट कर सकते हैं, रूलर्स को इलेक्ट किया जा सकता है इलेक्शंस के अलावा? देखो एक आध पॉइंट आपके दिमाग में आया होगा, एक आध मेरे में आया है, वो बता देते हैं। देखो मान लिया हम पहले जैसे मोनार्की सिस्टम था, तो मोनार्की सिस्टम में क्या होता था, भाई राजा बन गया, अब राजा जैसे काम करेगा तो जरूरी नहीं कि राजा पब्लिक के अकॉर्डिंग काम करे। ठीक है, मोनार्की सिस्टम को तो कहीं पर भी अच्छा माना ही नहीं जाता है, मोनार्की सिस्टम। दूसरा मान लेते हैं एज और एक्सपीरियंस के बेस पर, मान लो हम किसी को बोल देते हैं कि भाई हम ऐसा करते हैं कि आपको लीडर बना देते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जिसको हमने एज और एक्सपीरियंस के बेस पर हमने जिस इंसान को हमने रूलर बनाया है उसके अंदर उसका वो मेंटल लेवल हो कि वो देश के लिए पॉलिसीज बना सके, देश के लिए काम कर सके, उसका मेंटल लेवल भी नहीं हो सकता। दूसरा हो सकता है कि वो उसके अंदर वो क्षमता ही ना हो देश को चलाने की। ठीक है, और इतने बड़े देश में अगर मैं अब आपसे ये कहूँ कि बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, इस क्वेश्चन को आपको खुद लिखना है, तो आपकी क्लास में ही 40 बच्चों की क्लास में ही 10 बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो ये कहेंगे नो मैम वी कैन नॉट डू। हो सकता है तो 40 बच्चों का जो व्यू एक नहीं हो सकता, तो 121 करोड़ लोगों का व्यू एक कैसे हो सकता है? हो सकता है, नॉट पॉसिबल, ऐसा ही है ना? हाँ, ठीक है। तो इसलिए किसी भी देश को मोर डेमोक्रेटिक बनाने के लिए इलेक्शंस इज द बेस्ट मेथड, इलेक्शंस है वो एकदम बेस्ट मेथड है उस देश को और भी ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाने का। ठीक है, तो ये है कि भाई इलेक्शंस क्या है, क्यों हमें, अब पॉइंट क्या आया भाई इलेक्शंस इन सारी प्रॉब्लम्स का, कि भाई एज एक्सपीरियंस के बेस पर हम नहीं कर सकते हैं, हो सकता है किसी को बना दे तो वो डिक्टेटरशिप कर हो जाए, तो देश के लिए अच्छा रूल नहीं बना सकता। इसी तरह से इसका मीनिंग क्या है, अब इन सारी प्रॉब्लम्स का कि भाई ये भी मेथड अच्छा नहीं, ये भी मेथड अच्छा नहीं, ये भी मेथड अच्छा नहीं है, तो फिर कौन सा सबसे दी बेस्ट मेथड है जो हमारे देश के रूलर्स को इलेक्ट कर सके? सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है बेटा? इलेक्शंस। अब क्वेश्चन ये आया कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, क्यों हमें इलेक्शंस, हालांकि हम इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि भाई हमें इलेक्शंस की क्यों जरूरत है, क्यों जरूरत है, बिकॉज मोर देन 121 करोड़ पीपल कैन नॉट गेट टुगेदर एनीवेयर, कहीं भी 121 करोड़ लोग इकट्ठे तो नहीं हो सकते, इतना बड़ा देश का कोई मंच तो नहीं है कि वहां पर 121 करोड़ लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं और देश के लिए कानून बनाएं, और इकट्ठे हो भी गए तो जरूरत नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि सभी 121 करोड़ लोगों का आइडिया है, विचारधारा है, वो सेम हो जाए, और एक तो सेम हो जाए ये भी जरूरत नहीं है, दूसरा ये भी जरूरी नहीं है कि भाई सभी के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रोंग जरूर। अब मैं आपको बोल दूं बेटा देश के लिए एक पॉलिसी बनानी है, तो नहीं बना सकेंगे। अगर मैं पूरे आपकी क्लास के 40 बच्चों को ये बोल दूं कि बेटा आप सभी के लिए टाइम टेबल बनाना है, तो आप 40 के 40 बच्चों का अपना पढ़ने का टाइम टेबल बिल्कुल अलग होगा। जब हमारे 40 बच्चों के डिसीजंस नहीं मिल सकते हैं तो 121 करोड़ के कैसे मिल सकेंगे? इसलिए इलेक्शंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब पॉइंट क्या आया है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, ये आपको सिर्फ समझाने, एक क्वेश्चन याद करवाने के लिए, अदरवाइज मैं आपको क्वेश्चन समझा चुकी हूँ कि भाई हमें इलेक्शंस की जरूरत क्यों है, बिकॉज भाई इलेक्शंस ही तो हमें अच्छा रिप्रेजेंटेटिव देगा जो देश के लिए काम कर सकेगा, भाई एक इलेक्शंस ही तो ऐसा मेथड है जो देश को मोर डेमोक्रेटिक बनाएगा, इलेक्शंस ही तो ऐसा मेथड है जो हमें मोर कैपेबल डिजर्विंग लीडर देगा, समझ गए, इलेक्शंस ही है जो हमें और भी ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, इलेक्शंस की जरूरत क्यों है, क्यों है बेटा, फॉलोइंग पॉइंट्स आर एक्सप्लेनिंग दैट व्हाई वी नीड
इलेक्शन, ये आप खुद लिख सकते हो। ध्यान रहे मैं क्वेश्चन को नहीं लिखवाऊंगी, मैं साइड हो रही हूँ, ये अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने क्वेश्चन को खुद अपने फेयर नोटबुक पे लिख लीजिए। देखो बेटा यहाँ बहुत इसी वे में लिखा है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक आपकी एनसीईआरटी बुक का कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ, जहाँ पर लिखा हुआ है व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। यहाँ जो लिखा हुआ है, यहाँ देखिए पेज नंबर 58, यहाँ लिखा हुआ है तीन चार पॉइंट्स हैं यहाँ पर। देखो पहले मैं ये बता देती हूँ, अगर आपको इजी ये लगे तो ये कर सकते हो, अदरवाइज मेरी लैंग्वेज में करना है तो ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। देखो इसमें क्या लिख रखा है, इन इलेक्शंस वोटर्स मेक मेनी चॉइसेस, दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। जो वोटर्स हैं वो उनको चूज करते हैं, जो उनके लिए कानून बनाए, लॉज उनके लिए बनाते हैं। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट, वो उनको जो गवर्नमेंट बनाते हैं उनको चूज करते हैं। एंड टेक मेजर डिसीजन, और देश के लिए मेजर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, वो ऐसी पार्टी को चूज करते हैं जिसकी पॉलिसीज है गवर्नमेंट को गाइड करती है लॉ मेकिंग, ठीक है। ये बेटा ये पॉइंट्स हैं, ये भी आप लिख सकते हो, ऐसा करना पहले ये लिख सकते हो, फिर उसके बाद में मेरे वाले पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ये तीनों ही पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है पेज नंबर 58 पर, पेज नंबर 58 पर व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, और यहाँ पर तीन पॉइंट दे रखे हैं, ये इन तीनों पॉइंट्स को आप इसमें लिख सकते हो। इनके अलावा अब जो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं बहुत ही ज्यादा इजी हैं अपनी लैंग्वेज में लिखे। देखो बेटा, पीपल गेट अपॉर्चुनिटी टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एज दे विश, भाई इलेक्शंस ही तो क्या करता है लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि लोग अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपने लीडर को इलेक्ट कर सके, देता है ना, इलेक्शंस की वजह से ही होता है। भाई हमें, हम जब वोट डालने जाते हैं तो हम ऐसे लीडर को वोट देते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जिसकी हैबिट्स अच्छी लगती है, जो देश, जो नॉलेजेबल है, जो देश के लिए काम कर सकता है, जो देश के लिए कानून बना सकता है, उसी को हम इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव जैसा वो चाहते हैं वैसे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, ठीक है। इट क्रिएटेड पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, ये पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन क्रिएट करता है, इट मीन्स इलेक्शंस क्रिएट ए पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन अमंग पार्टीज एंड कैंडिडेट, पार्टीज में भी और कैंडिडेट में भी कॉम्पिटिशन होता है, कोई कहता है मैं आपसे भी अच्छा काम करूंगा, ऐसा होता है ना भाई। एक पार्टी ने अगर अच्छा काम नहीं किया तो नेक्स्ट इलेक्शन में उसको लोग क्या कर देंगे, रिजेक्ट। इसलिए परमानेंट, अब आप एक दुकानदार का एग्जाम्पल लीजिए, एक दुकानदार है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की चीजें रखता है, क्यों रख रहा है, हालांकि अच्छी क्वालिटी की चीजें रखने से उसका नुकसान हो रहा है, बट फिर भी वो क्यों रखता है, कि ताकि कस्टमर परमानेंटली उसके पास में आते रहे, कस्टमर परमानेंटली आते रहेंगे तो जितने सारे कस्टमर आएंगे उनसे उनका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। यही है कि पार्टीज ना चाहते हुए भी देश का भला उनको डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कंट्री में करना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है अगर हम लोगों की डील के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो नेक्स्ट इलेक्शंस में हम रिजेक्ट हो सकते हैं, अंडरस्टैंड। या इट गेव डिजर्विंग एंड कैपेबल पीपल टू रिप्रेजेंट, ये अच्छे डिजर्विंग पीपल हमारे जैसे नेता उनको आगे लेके जाता है कि भाई हाँ, जो नॉलेजबल है कि हाँ हम देश के लिए ये वाली पॉलिसीज, ये वाले लॉज हैं वो अच्छे हैं, ये भी कहाँ से पता चलता है, किससे मिलता है बेटा, इलेक्शन से, ठीक है। इलेक्शन इज ऑलवेज बेटर देन सेलेक्शन, ये तो आप सभी को पता है, इलेक्शन तो हमेशा ही सेलेक्शन से बेस्ट होता है। सेलेक्ट कर दे भाई 50 आदमी बैठे हैं, 50 में से मैं ये कह दूँ ये वाला बड़ा स्मार्ट सा है, ये बहुत अच्छा डिसीजन लेगा, उसके पता लगे कि उसके अंदर तो भेजा ही नहीं है उसके भेजे में, समझ गए। तो यहाँ इलेक्शंस भाई देखते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं कि वो कौन से उसका लेवल क्या है, तो उसे पता चल जाए, ठीक है। स्टेट वुड फेस एनार्की विदाउट इलेक्शन, देखो एनार्की किसका अपोजिट वर्ड है बेटा, मोनार्की का, मोनार्की मीन्स कोई एक लीडर है, तो यहाँ पर क्या है, स्टेट वुड फेस, स्टेट क्या फेस करता है, एनार्की मीन्स कोई लीडर नहीं है वहां पर, नो एनी लीडर, ऑल इज ऑल फील हिमसेल्फ पावरफुल, मोर पावरफुल, कि भाई मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, हर एक यहाँ पर ये सोचेगा भाई कोई लीडर नहीं है तो सभी अपने आप में सुप्रीम हो गए कि मैं बेस्ट हूँ, इसलिए बिना इलेक्शन के तो सभी अपने आप में सहनसा हो जाएंगे, कोई किसी की सुनने वाला नहीं होगा और ना उनके ऊपर कोई लीडर होगा, लीडर है तो सारे जो काम करते हैं लीडर के अकॉर्डिंग किए जाते हैं, और यहाँ पर तो कोई होगा ही नहीं लीडर तो सभी अपने आप में सहनसा हो जाएंगे, तो यहाँ ये तो मतलब नहीं है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, सिस्टम में होना,
ठीक है, सभी के पास इक्वल राइट्स होना, ठीक है, और कोई लीडर्स भी होते हैं जो देश को चलाते हैं, देश को चलाने के लिए अलग गवर्नमेंट होती है, स्टेट को चलाने के लिए अलग गवर्नमेंट होती है, अंडरस्टैंड? नो स्टेबल एंड वेलफेयर स्टेट्स वुड एग्जिस्ट विदाउट इलेक्शंस। भाई कोई भी अच्छी स्टेबल और नैतिकता वाली अच्छी गवर्नमेंट तो सेटअप हो ही नहीं सकती है इलेक्शंस के बिना, अंडरस्टैंड? भाई कोई भाई जब इलेक्शंस होंगे तभी तो दी बेस्ट होगा, लास्ट में एन ऑटोक्रेसी मोनार्की डिक्टेटरशिप वुड प्रिवेल विदाउट इलेक्शंस। इनको इन सारी गवर्नमेंट ऑटोक्रेसी मोनार्की इन सारी गवर्नमेंट्स को बिना इलेक्शंस के तो हम रिमूव कर ही नहीं सकते, हटा ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था बेटा, छोटे छोटे क्लिप्स में मैं आपको ये चैप्टर समझाऊंगी ताकि आपको ये चैप्टर समझ में आए, क्योंकि ये चैप्टर जितना आप अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा। अदरवाइज इलेक्शंस आज से पहले जो आपके लिए मतलब कुछ नहीं पता हमें उसके बारे में वो ये बन के रह जाएगा और वो मैं कभी नहीं चाहती हूँ, ठीक है। अब मैं ऐसा करते हैं कि मैं साइड हो जाती हूँ और इस चैप्टर इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं लिखवाऊंगी नहीं, मैं दोबारा नहीं भेजूंगी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ठीक है बेटा। इस चैप्टर का आपने इस जो टॉपिक मैंने करवाया है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं व्हाट मेक्स, यहाँ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे व्हाट मेक्स एंड इलेक्शंस डेमोक्रेटिक, ठीक है। ये जो इलेक्शंस है इलेक्शंस में ही व्हाट मेक्स एंड इलेक्शंस डेमोक्रेटिक, ठीक है, समझ गए। अब हम ऐसा करते हैं छोटे छोटे क्लिप्स में इस वीडियो को इस चैप्टर को पढ़ेंगे, बट अगर ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझना है तो आप चैप्टर को साथ साथ रीड आउट करते रहें मेरे साथ, ठीक है। और अभी मैं अपनी सारी वीडियो जो बना रही हूँ वो मैं अपने चैनल पर ही डाल रही हूँ, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और आपका भी फायदा हो जाए और दूसरे बच्चे का भी फायदा हो जाए, तो शेयर भी कीजिए। और दूसरा अगर आप नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है बेटा आपको पता है तो मतलब प्रॉब्लम जिस बच्चे को भी मैं जूम पे क्लास ले रही हूँ जिस बच्चे को नहीं समझ में आए तो वो बच्चा अपने यहाँ से मेरे चैनल पे कंप्लीट चैप्टर की वीडियो में डाल दूंगी, तो आप चैनल से वो वीडियो सुन सकते हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा ताकि आपका लॉस ना हो, ठीक है बेटा। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।